विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से कैंपियरगंज विधानसभा से प्रत्याशी काजल निषाद और बांसगांव विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन किया, जिसके संबंध में बांसगांव विधानसभा के सपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि बांसगांव विधानसभा में बेरोजगारी, किसान, महंगाई, नौजवानों, गरीबों के मुद्दों को लेकर के काम करूंगा। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए खाद बीज सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, अस्पतालों में समुचित दवाइयाँ होंगी। इन मुद्दों पर बांसगांव विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव विधानसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा, वही देखिएगा भैया, कैमरा ऊपर करना है, डॉक्टर संजय कुमार रामधनी मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सेवा के रूप में चलाता हूं और समाजवादी पार्टी का आज मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। हमारे साथ हमारे अभिभावक स्वरूप किस विधानसभा से? विधानसभा बांसगांव से। और हमारे साथ हमारे अभिभावक स्वरूप मौजूद पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रहलाद यादव जी हैं। युवाओं को क्या समझना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आ रही है, और पहले कैबिनेट की बैठक में 10 से 15 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और आईटी सेक्टर में 21 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी ताकि नौजवानों के लिए जो हमारे लोग सरकारी कर्मचारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया था, वो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। किसानों की हितैषी निश्चित रूप से सरकार होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करेगी, खाद बीज सस्ती होंगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, अस्पतालों में समुचित दवाई होगी, फसलों की निश्चित रूप से सिंचाई होगी। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।